Halo. Umur ya? Urania. Kenapa kau sih? Urania. Kalau kau itu udah bahas kerja deh, kali kita jaga tuh mereka mahi aga. Asli. Urania maha. Kira bahas nih kerja sekitar tuh sih. Tuh sari dari phone leh deh. Asli kaje udah yang lagi deh. Bal padu. Kamu sekarang kusung juga ini. Kegera main petiris mayo li. Kaji asli. Aho. Ah, bang. Itu di kita bul. नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां रिकॉर्डिंग्स की बात करें आजकल सब लोग जो है कर ही लेते हैं, तो अगर सोच समझ कर जो है हमें बात करनी चाहिए। एक और इसी तरीके की जो रिकॉर्डिंग है एक व्यक्ति की हमारे पास आई है, जिसके चलते जिसमें उसने काफ़ी ज़्यादा जाति सूचक शब्दों का, अपशब्दों का जो है एक बच्चे के साथ इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी कंप्लेंट करने के लिए आज इंद्री के एक गाँव के कुछ लोग जो हैं समाज के लोग, वो SP साहब से मिलने पहुँचे थे, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी करवा दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है उसी पे बातचीत करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जी सर, क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर किस लिए पहुँचे थे? मांगराम है जी मेरा नाम। रिकॉर्डिंग दे कहाँ से हैं आप? दानखड़ी से हूँ जी मैं। अच्छा, किस लिए पहुँचे थे आज आप यहाँ? SP साहब आए थे जी। क्या मैटर है? पहले भी आए थे जी, अमरजीत नाम है जी, जी अमरजीत है जी लड़का जनपर का, तो उसमें लड़के ने मेरे लड़के को गालियाँ दी जी फोन पे, जाति सूचक शब्द। गालियाँ किस लिए दी, क्या बात हुई थी? उससे तो 8,000 रुपये लिए थे जी, मान ले काम करवाने वास्ते लिए थे, मिस्त्री काम करो जी, मैं तो काम तो ना करवाया नहीं, तो मैंने बोला उस चढ़ाई काम करो जी, मैं तो मैंने उससे 8,000 रुपये के साथ 17,000 रुपये दे दिए, 2 रुपये के हिसाब थे ब्याज के हिसाब थे जी, तो उसके बाद जो मैंने अंदर ड्राइवर एकदम कहना और पैसे भी चाहिए, मैंने कहा और भी बढ़ा। और किस लिए चाहिए जब आप पैसे वापस दे चुके? और काम मांग रहे जी, और काम बना मेरे। अच्छा, तो आप देख सकते हैं महज 8,000 रुपये की बात को लेकर जो है बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। 8,000 रुपये इन्होंने लिए थे, उसने कुछ काम करवाना था लेकिन काम नहीं हुआ, वापस ब्याज समेत पैसे दे दिए गए, लेकिन अभी तक जो है वो इन्हें डरा धमका रहा है कि मुझे और भी पैसे चाहिए, ऐसा ये लोग आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है सर उस व्यक्ति का जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट कराई है? सर, ये मांगेराम ने कंप्लेंट की है, उसका नाम तो इसी को पता होगा, अमरजीत उसका नाम है, और मेरा नाम आकाशिर सवाला, भगवान वाल्मीकि युद्ध ब्रिगेड संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ हरियाणा का। इनका मेरे पास एक महीना पहले फ़ोन आया था कि किसी ने हमें फ़ोन पे ऐसे ऐसे जाति सूचक शब्द बोले हैं, गालियाँ दी है और हमें बड़ा ही टॉर्चर कर रहा है, तो हमारी टीम इनके पास गई, इनसे बातचीत करी, SHO से मिलकर जो इंद्री थाना है, मैंने उसकी FIR करा के SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था DSP साहब के पास, जो महिंद्री का DSP है, तो DSP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम बंदे को आज ही अरेस्ट करा लेते हैं, तो उसके बाद उनकी क्या बातचीत हुई, क्या हुआ क्या नहीं रहा, हम 15 दिन बाद फिर DSP से मिले, कैसा अभी तक बंदा आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया कि नहीं जी हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अरेस्ट हो जाएगा, तो आज इस केस को पूरा एक महीना हो गया है, कहीं ना कहीं ये तो या ये लगा लो कि उसके ऊपर DSP के ऊपर कोई ना कोई दबाव है, या फिर DSP साहब की नीयत नहीं है उसको अरेस्ट करने की। कौन से DSP हैं आपके एरिया में? रमेश कुमार जी है वहाँ पर DSP, रमेश चंद जी है DSP इंद्री के, तो या तो उनके ऊपर कोई दबाव है या वो उनकी नीयत नहीं अरेस्ट करने की, जब हमारे पास सबूत है, उन्होंने समाज के बारे में अपशब्द यूज किया है, ये पूरा सामाजिक मुद्दा है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो कल को पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा, धरने प्रदर्शन होंगे, और मैं खुद DSP को बोलता हूँ कि DSP के खिलाफ ही फिर हम कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जब माननीय गंगाराम पुनिया जी ने हमें पूरा कोऑपरेट करा और उन्होंने DSP को 2 बार फ़ोन भी कर दिया, वो उनका भी कहना नहीं मानते हुए अपना मतलब कि वो दिखा रहा है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये DSP का वो है कि कहीं ना कहीं ढीलापन दिखा रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया किस तरीके से महज 7,000 के लेन देन को लेकर जो है गाली गलौज की जाती है, अपशब्द यूज़ किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग इनके पास मौजूद है और पैसे वापस देने के बाद भी अभी तक जो है इनको धमकियां मिल रही हैं, घर में बच्चे हैं, उनके साथ गलत तरीके से बात की गई है। एक बार रिकॉर्डिंग भी मैं आप सभी लोगों को सुनाना चाहूँगी, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती, अगर 1 महीने के अंदर अंदर, अभी 1 महीना हो चुका है उसको नहीं पकड़ा गया व्यक्ति को, अगर आगे भी नहीं पकड़ा गया 2 दिन के अंदर अंदर, तो हम लोग आगे पूरी जो कम्युनिटी है वो इकट्ठे होके इसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना दूं। मंगे आओ बोल रहे पुरानिया कृपा छोटे बात कर दे, खाली कितने जगह तो मेरे पास वहीं आगा अस्ते पुरानिया महा फिर बात नहीं करा सकता तो उससे तो सारी देर फोन ले रहे उससे कदे उड़ी आग लग रहा बाल पड़ो को सुन चुके जी कह रहे मैं बतेरी समाइयो ली कह दी उससे आहो हाँ बैठ
तो आप देख सकते हैं बहुत ही गलत शब्द जो है इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जाति शब्द, जाति के रिलेटेड जो है शब्द, अपशब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। एक बार फिर से बातचीत कर लेते हैं सर, अब क्या कुछ कहा है एसपी सर ने, क्या कहा है एसपी सर ने? तो फोन करा जी, कहा गिरफ्तार करो उसको, पहले भी आया था, पहले भी करता जी फोन उन्होंने तो। सर आप क्या कुछ बताना चाहोगे इनके साथ आज आए हुए हो, क्या मामला है? मैं दानोखड़ी का जी एक सरपंच हूँ, 25 तारीख ना वो जैनपराड़ा लड़का जिस जो लेन देन का मामला वो गाँव दानोखड़ी में पहुँचा और इसको धमका रहा था, धमकी दी इसको भी तेरे बच्चों ने उठा ले जाऊँगा सारे और मेरे पे इतने बदमाश हाँ यहाँ जानते मार देंगे, इतना बड़ी मुश्किलों में जी वहाँ जो समझाया जाएगा भेजा, फिर हम SHO साहब को मिले, डिप्टी साहब को मिले, पर्चा दर्ज है, गिरफ्तारी नहीं हो रही, 122 नंबर है यार, और अब भी धमकिया दे रहा है इसको। क्या नाम है उस इंसान का? अमरजीत। तो आप देख सकते हैं कंप्लेंट हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है, जिसके चलते आज ये सब लोग जो है एसपी साहब से मिलने पहुंचे थे उनको ज्ञापन सौंपा गया है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें क्योंकि इस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, बहुत गलत तरीके से जो है एक बच्चे से भी बात की गई है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। जी सर क्या कुछ कह रहे थे? जे ना CMCD करनाल में सरकार ने इन लोगों को समाज की सुरक्षा के लिए बिठाया हुआ है और जहाँ की हमारे पास पूरे सबूत है इस बात के कि वो भगवान वाल्मीकि परमात्मा जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसके बारे में जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज का मुद्दा है, अकेला मांगेराम का नहीं है। और मैं उस व्यक्ति को ये कहना चाहता हूँ अगर वो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो भाई तूने जाति के बारे में गलत अपशब्द बोल तो दिए, इसका मैटर मांगेराम के साथ था, पूरे समाज के साथ नहीं था, अब ये सामाजिक मुद्दा बन चुका है। अगर वो गिरफ्तार नहीं होता या तो वो खुद आगे थाने में अरेस्ट हो जाए, अगर प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करता तो आने वाले 2-4 दिनों में वाल्मीकि समाज पूरा सड़कों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, उसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को पहुंचेगा। आपका नाम? मेरा नाम आकाश रिसवाल है, भगवान वाल्मीकि उद्वेग संगठन का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जो यहाँ के करनाल के हमारे गंगाराम पुनिया जी SP है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अच्छी तरह कोऑपरेट करा है, लेकिन उनका कहना ना मानते हुए इंद्री DSP कहीं ना कहीं अपना वो दिखा रहा है, वो उसको अरेस्ट नहीं, उसकी नीयत नहीं अरेस्ट करने की, या तो उस पर कोई सरकार का दबाव है वहाँ की इंद्रिय के एरिए का, या फिर वो अपना कोई ना कोई सेटिंग करके बैठ गया कि गरीब आदमी है धक्के खा के अपना बैठ जाएगा आराम से धमका देंगे, ऐसा काम नहीं होगा भाई, ये सामाजिक मुद्दा है। और आने वाले 2-4 दिनों में मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कहना चाहता हूँ जो इंद्रिय DSP है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करे, जो जिसके पूरे सबूत होते हुए भी समाज पर बंदे को अरेस्ट नहीं करवा रहा, नहीं तो 2-4 दिनों में हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, उसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होगा, और कहीं इसको जान माल का खतरा होता है उसको जिम्मेवार इंद्रिय DSP होगा। तो आप देख सकते हैं आज ये सब लोग जो है आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे और बताया जा रहा है कि इंद्री DSP द्वारा कहीं ना कहीं उनकी कार्रवाई से ये लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से सहयोगी अंजी राठी के साथ, मैं नीरा बाटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।